So hello guys, what's up? I hope sabhaijana sanjay huncha la. Masanga aaj ekdमै इन्ट्रेस्टिङ न्यूज रहेको छ, सो प्लिज मेक श्योर टु वाच टिल द एन्ड. सो गाइज आज न्यूज स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि हजुरहरुले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामी 165k को एकदमै नजिक छौं. सो हजुरहरुले हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ एउटा सब्स्क्राइब गरेर, म एकदमै खुसी हुनेछु. एनीवे आजको न्यूज स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि हामी के अचिभमेन्टको बारेमा कुरा गरौँ. सो आरजी स्मार्टी कम्प्लिटेड 15k सब्स्क्राइबर, लुसिफर 2.0 कम्प्लिटेड 20k सब्सक्राइबर, श्रेष्ठ एफएफ कम्प्लिटेड 30k सब्सक्राइबर, अमीर एफएफ 55 कम्प्लिटेड 90k सब्सक्राइबर एंड बेला गेमिंग कम्प्लिटेड 100k सब्सक्राइबर. सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेसन टू ऑल अफ देम. फर्स्ट अल कुरा गाइज अनम लामा को बारे में. सो हजुरहरुले अनम लामा अभियसली चिन्नुहुन्छ होला, नेपालको वान अफ द बेस्ट ई स्पोर्ट प्लेयर. सो मैले पनि न्यूज कवर नगरे धेरै भयो अनम लामा को, बिकज वहाँ एकदम इनएक्टिव हुनुहुन्छ आफ्नो यूट्यूब चैनल में. सो हजुरहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वहाँ यूट्यूब में भिडियो अपलोड नगरेको धेरै लाइक महिनै भइसक्यो हैन. अनि हिजो उहाँले कम्युनिटी पोस्ट हाल्नुभएको थिए, अझै कोलाई नोटिफिकेसन जान्छ लाइक गरेर केटाकेटी हो भनेर. सो हजुरहरुले यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ. दैट मीन्स अनम लामाको फेरि नयाँ भिडियो आउन सक्छ. सो लेट्स सी कहिलेसम्म आउँछ, म हजुरहरुलाई इन्फर्म गराउनेछु. अब कुरा गरौँ गाइज एफएफसीओ को बारेमा, आई मीन फ्री फायर सिटी ओपन को बारेमा. सो मैले हजुरहरुलाई आफ्नो प्रिभियस भिडियोमा शेयर गरेको थिएँ यो टुर्नामेन्ट चाहिँ इन्डियाको लागि मात्रै हो भनेर. सो बट नेपालबाट पनि धेरै स्क्वाडहरु क्वालिफाई हुनु भएको रहेछ यो टुर्नामेन्टमा. सो यो कुरालाई सम्झाउँदै डिटेलमा एशियन गेमिङ एन्ड टेकले आफ्नो फेसबुक पोस्टमा यो कुरा शेयर गर्नु भएको छ. सम टिम्स फ्रम नेपाल आर क्वालिफाइड फर एफएफसीओ बट एज द टुर्नामेन्ट इज ओन्ली फर इन्डियन सिटिजन्स, प्लेयर हेभ टु सबमिट दियर आधार कार्ड टु प्ले द टुर्नामेन्ट. इट्स नट दैट वी क्यान क्वालिफाई, इट्स जस्ट दैट वी आर फ्रम नेपाल. बेसिकली एशियन गेमिङ एन्ड टेकले भन्न खोज्नु भएको छ यो टुर्नामेन्टमा क्वालिफाई भए पनि हामीले खेल्न मिल्दैन, बिकज त्यो टुर्नामेन्टमा खेल्नको लागि चाहिँ हामीले आधार कार्ड सो गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कि हाम्रो नेपालसँग एभाइलेबल छैन. हाम्रो नेपालमा चाहिँ लाइक नागरिकताहरू के हुन्छ हैन, बट इन्डियासँग चाहिँ आधार कार्ड भन्ने हुन्छ. सो त्यही कारण चाहिँ हामीले नेपालबाट खेल्न मिल्दैन. सो हजुरहरुको यसमा ओपिनियन के छ प्लिज मेक श्योर टु कमेन्ट. अब कुरा गरौँ गाइस टोटल गेमिङको बारेमा. सो टोटल गेमिङले चाहिँ आफ्नो लाइभ स्ट्रिममा मजाक गर्दै जस्ट फनको लागि चाहिँ फ्री फायर ब्यान गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ. सो केपी ओली एन्ड नरेन्द्र मोदीलाई रिक्वेस्ट गर्छ भनेर भन्नुभएको छ. सो उहाँले के भन्नुभएको छ यसबारे हल्का भिडियो क्लिपहरू हेर्न सक्नुहुन्छ. इसके अंदर मैंने पॉइंट बहुत ज्यादा किया, बट एक चीज देखो ग्लोबल के अंदर बांग्लादेश नंबर 1 पे अगेन एक और बार. कल अपन लोग बांग्लादेश के अंदर वो कर देते हैं बैन, फ्री फायर को एक दिन के लिए बैन कर देते हैं. क्या बोलते हो, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि एक दिन के लिए फ्री फायर बैन करो, अपन को थोड़ा काम है फ्री फायर के अंदर. ऐसा बोल के कुछ भी चूना लगा देंगे कि भाई ऐसा ऐसा करके कुछ चूना लगा के बंद करवा देंगे एक दिन के लिए. फिर नेपाल में कॉल करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा है केपी ओली भाई ऐसा कुछ करो एक दिन के लिए, वहां पे भी बैन हो जाए. फिर यहाँ दोनों जगह पे एक दिन के लिए बैन होगा, इंडिया सॉलिड तरीके से ऊपर. फिर कॉल कर देंगे रात को और बोलेंगे कल वापस से बैन हटा दो. तो इससे क्या होगा कि अपन नंबर 1 पे चले जाएंगे. इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी को कॉल करेंगे कि भाई देखो ऐसा ऐसा है कि गेम को बैन करो, मिस्ट्री शो पकड़ दे ये लोग तभी गेम को अपन लोग अनबैन करेंगे वरना नहीं करेंगे. नरेंद्र मोदी भी बोलेगा मस्त आइडिया है जी भाई ऐसा करके. कैसा लगा बताओ, आइडिया कैसा है. और देखो बांग्लादेश नेपाल से भी जितने लोग देख रहे हो तुम लोग भी कॉल करो अपने जो प्रेसिडेंट होता है उनको बोलो यार ये सीन है यार, अगर तुम बैन करोगे एक दिन के लिए मतलब ये शर्तें रखो कि हमें ये चीज चाहिए, अगर फ्री फायर के अंदर ये चीज नहीं आती तो फ्री फायर बैन. ऐसा मतलब देखो एकदम बचकानी हरकत है बट हम लोग कर सकते हैं. सो गाइज टोटल गेमिंग को हल्का भिडियो क्लिपहरू हेरि नै हालमा. एन्ड अब कुरा गरौँ गाइज फ्याम क्ल्यासर को बारेमा. सो हजुरहरुलाई अभियसली राम्रोसँग थाहा छ कि इन्डियामा चाहिँ एकदमै धेरै गिव अवेजहरू आलोक फेक गिव अवे यताउता भइरहेको हुन्छ. सो फ्याम क्ल्यासरले यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै एन्ड अल्सो स्पेशली लोकेश गेमरलाई टार्गेट गर्दै केही कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ. निक लोकेश सभी को अच्छे से पता है कि तू कितना रिच है एंड कितनी तेरी रीच है. लोकेश 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पे तू और गिवअवेस करेगा, व्हिच मींस मोर ऑडियंस, व्हिच मींस मोर व्यूज. भैंचो देख कब खत्म होगा. लोकेश जब रास्ते पे तुझे तेरे फैंस मिलते हैं तो पहले सेल्फी मांगते हैं या आलोक, या फिर सेल्फी लेने के बाद आलोक. अब देखो गिवअवेस करना कोई गलत काम नहीं है, बट मल्टीपल टाइम्स गिवअवेस करना नई ऑडियंस के लिए ये सही नहीं है. एंड जो भी लोग ऐसे गिवअवेस में पार्टिसिपेट करते हो ये डायमंड्स एंड ऑल एक्सेट्रा, तो भैया ऐसे गिवअवेस में पार्टिसिपेट करके तुम सिर्फ और सिर्फ अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो. तुम अगर ऐसे गिवअवेस में पार्टिसिपेट करोगे तो ये समझ लो कि तुम्हारे जीतने के चांस लगभग ना के बराबर है. और क्या भरोसा सा गिव अवे नकली हो। तो जो भी लोग ये फालतू के गिव अवेज में अपना कीमती समय लगाते हैं, तो प्लीज अपना टाइम मत वेस्ट करो ये फालतू चुतियापे में। और अगर गिव अवेज में पार्टिसिपेट करना ही है तो वैसे गिव अवेज में पार्टिसिपेट करो जहाँ पे सब सिस्टमेटिकली होता है। एंड ये बात को समझ लो भैया, ये फलाना गिव अवे से सिर्फ और सिर्फ फायदा होता है क्रिएटर्स का। सो गाइज, फ्याम क्ल्यासहरुको हल्का भिडियो क्लिपहरु हेरिन हाल्नु। एन्ड अल्सो आजको लागि न्यूज यति नै। अनि मलाई चाहिँ धेरैजनाले कम्प्लेन गर्नुहुन्छ कमेन्टमा लाइक रुटर एपको ओटिपी कोड नै आउँदैन भनेर। सो बेसिकली फर्स्ट नम्बर म हजुरहरुलाई बुझाइदिन्छु रुटर एप चाहिँ के हो भनेर। सो रुटर एप चाहिँ एउटा यस्तो ट्रस्टेड एप्लिकेसन हो जोसँग 4.5 को रेटिङ छ हैन प्ले स्टोरमा। हजुरहरुले गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो एपबाट चाहिँ हजुरहरुले फ्रीमा डायमन्ड पाउन सक्नुहुन्छ फ्री फायरको लागि। सो यस हजुरहरुलाई पनि फ्रीमा डायमन्ड चाहिन्छ भने हैन, लाइक त्यसमा चाहिँ मिसनहरु कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै इजी मिसनहरु। सो हजुरहरुले त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक मलाई धेरैजनाले कम्प्लेन गरिरहनु भएको छ ओटिपी कोड आउँदैन भनेर। सो मैले चाहिँ यो म्यानेजरसँग पुराइदिइसकेको छु। सो उहाँले सेयर गर्नुभएको छ यो लाइक यो चाहिँ अर्को अपडेटसम्म फिक्स हुन्छ भनेर हैन। सो त्यही दिन चाहिँ हजुरहरुले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि आइएम एक्सट्रिमली सरी। सो यस हजुरहरुले रुटर एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट फ्रीमा डायमन्ड पाउन सक्नुहुन्छ एकदम इजी मिसनहरु कम्प्लिट गरेर। एन्ड अल्सो मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु वान्ट। एनिवे आजको लागि भिडियो यति नै। किप वाचिङ टिल देन। दिस इज नेपली सुटर। टेक केयर। जय नेपाल।